ही गाइस, तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग M11 के वन ईयर 4.1 प्लस एंड्रॉयड 12 अपडेट के बारे में। बेसिकली M11 डिवाइस के अंदर अपडेट जो है वो हमें कब तक देखने के लिए मिल जाएगी, क्या कुछ स्टेटस निकल के आ रही है वन ईयर 4.1 से रिलेटेड, आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास सैमसंग M11 का डिवाइस है और आप लोग वेट कर रहे हो एंड्रॉयड 12 का, तो यार आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं आप लोगों को एग्जैक्टली डेट भी बताऊंगा कि आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर अपडेट कब तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, वीडियो में कुछ भी पसंद आता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट की हो यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सैमसंग ने ऑलमोस्ट अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन के लिए रिलीज़ कर दिया एंड्रॉयड 12 विद वन ईयर 4.1 की स्टेबल अपडेट। बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ जो है वो अपडेट रिलीज़ किया गया। लेकिन गाइस, हमारे M11 डिवाइस के अंदर अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिल जाएगी? तो जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सैमसंग ने रिसेंट में ही एंड्रॉयड 12 विद वन ईयर 4.1 की लेटेस्ट अपडेट लिस्ट जो है वो रिलीज़ की है। और गाइस, सैमसंग M11 को जो है वो जुलाई मंथ में बेसिकली शेड्यूल किया गया है। लेकिन गाइस, वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि आप लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर फाइनली अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे सैमसंग जो है वो M11 के ऊपर एक न्यू फर्मवेयर टेस्ट किया है, जो कि यार 24 अप्रैल 2022 को फर्मवेयर टेस्ट किया गया। एंड गाइस, ये फर्मवेयर जो है वो यहाँ पे लेटेस्ट फर्मवेयर निकल के आता है और व्हाट्स न्यू में हमें एंड्रॉयड 12 देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि यार वन ईयर 4.1 प्लस एंड्रॉयड 12 की टेस्टिंग जो है वो सैमसंग M11 के ऊपर चल रही है। एंड बताया जा रहा है कि सैमसंग M11 डिवाइस के अंदर बहुत ही जल्द अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। एंड गाइस, बात करें कि फाइनली अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिल जाएगी, तो गाइस सैमसंग जो है वो अपडेट लिस्ट में सैमसंग M11 को जुलाई मंथ में शेड्यूल किया है। तो बेसिकली आप लोगों को अपडेट जो है वो यहाँ पे मई के एंड या फिर से जून के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे सैमसंग ऑलमोस्ट M11 के लिए टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया है और एक दो फर्मवेयर टेस्ट भी हो चुके हैं। अदरवाइज आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स के अंदर शेड्यूल से पहले अपडेट प्रोवाइड कराता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सैमसंग M11 डिवाइस के अंदर जो है वो यहाँ पे मई के एंड या फिर से जून के फर्स्ट वीक तक अपडेट जो है वो रिलीज कर देगा। तो आप लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे कुछ टाइम का वेट और फाइनली आप लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर भी अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया यार तो सब्सक्राइब के बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।